एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। एक बार दो ब्राह्मण एक यजमान के यहाँ गए कोई पूजा कोई अनुष्ठान कराने के लिए। तो जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो दोनों ब्राह्मण देवता जब साथ में आए तो एक ब्राह्मण देवता रो रहे थे और एक ब्राह्मण देवता बड़े खुश नजर आ रहे थे, खूब प्रसन्न थे, आनंद में थे। तो सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप दोनों साथ आ रहे हो? कहा हाँ। एक यजमान के ही घर गए थे? कहा गए थे। दक्षिणा बराबर बराबर मिली? कहा मिली। कहा जब सब कुछ बराबर था, यजमान भी एक ही था, दक्षिणा भी एक ही थी, तो आप हंस रहे हैं, ये रो रहे हैं, कारण क्या है? तो जो रो रहा था उससे पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, महाराज जिस यजमान के घर हम अनुष्ठान कराने गए थे ना, बड़ा अरबपति था वो, और हमने तो सोचा था कि 500 से नीचे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। महाराज उसने 100 रुपए पकड़ा करके विदा कर दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। और जो खुश था उससे पूछा, भाई तुम खुश क्यों हो? तुम्हें भी तो 100 ही मिले। उसने कहा, मुझे पता है कि वो बड़ा अमीर व्यक्ति है, बड़ा धनवान है, लेकिन मैं जानता हूं वो बड़ा कंजूस है। मैंने तो सोचा था कि कम से कम 51 रुपए दक्षिणा में दे देगा, लेकिन उसने तो 100 रुपए दे दी। महाराज जी हम तो जान करके खुश हो गए, जितना हमने सोचा उससे भी कहीं ज्यादा मिल गया। तो खुशियां ढूंढने की आदत बनाइए, प्रसन्न रहने की आदत बनाइए, आनंद में रहने की आदत बनाइए, और ये तभी होगा जब आप सत्संग करेंगे, जब आप भजन करेंगे, जब आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे, वरना ऐसे संभव नहीं है। क्यों? इस संसार का नाम है दुखालय। जैसे पुस्तक की दुकान पे लिखा होता है पुस्तकालय, भोजन की दुकान पे लिखा होता है भोजनालय, जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते लिखा होता है विद्यालय। अब पुस्तक की दुकान पे जाकर के आप भोजन मांगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। भोजन की दुकान पर जाकर के पुस्तक मांगेंगे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से इस दुखालय में आकर के अगर आप सुख की कामना करोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और सुख तभी मिलेगा जब आप गोविंद से जुड़े रहेंगे, जब आप राघव जी से जुड़े रहेंगे, तब आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस संसार रूपी दुखालय में सुख की कामना न करो, लेकिन भगवान से जुड़े रहने के बाद जीव सदैव आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम ही है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, जो आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, जिसका नाम ही है परमानंद, जिसका नाम लेने से जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद हमें किस में मिलता है? आनंद आप किसे कहेंगे? क्या डल्लभ के गद्दे पे हमें आनंद आ जाएगा? आनंद मिलेगा क्या? बड़े बड़े VIP एकदम गद्दे में रहने के बाद भी, बड़े बड़े महलों में रहने के बाद भी लोगों को नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है। पैसे से सुख नहीं मिल सकता, पैसे से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो ये भीतर की चीज है महाराज, आनंद तो अनुभूति की चीज है, और आनंद इस संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। आनंद तो आपको राघव जी के चरणों में ही मिलेगा, आनंद तो आपको कन्हैया के चरणों में ही मिलेगा, दूसरे जगह आनंद मिलने वाला नहीं है। और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम जो उम्मीद करते हैं अगर वो पूरा ना हो पाए वहीं दुख हो जाता है। आपने उम्मीद की ही क्यों? किसने कहा था? किसी के बच्चे छोटे छोटे होते ना तो माता पिता उम्मीद करते हैं, ये बड़ा होगा ना तो इसे इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और अगर कहीं खुदा भगवान ना करे अगर कहीं वो लड़का नालायक निकल गया तो दुख किसे हुआ? हमको दुख हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसके प्रति उम्मीद रखी थी। और एक बात कहें, उम्मीद
संसार वालों से मत करो, उम्मीद अगर करना है तो ठाकुर जी से करो, आशा अगर करनी है तो गोविंद से करो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। क्योंकि संसार से उम्मीद करेंगे सिर्फ दुख मिलेगा, और गोविंद से उम्मीद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुख मिलेगा।